फर्क पड़ा जरूर, लेकिन मैं फ्रेंडली हूँ। कारोबार चलता रहा, मुनाफा हुआ नहीं, और जो भी था वो चीज़ चलती रही। फिर एक ये सब कहा है कि वो मौके रसम के लिए जो भी थे उनकी तबियत खराब हो गई और वो ऐसा बाकी बच्चों के अच्छे। आप वो जो जो थे वो बच्चों से कहते हो कैसे चल गए थे, मामला कैसे चल गए थे, खराब है ये है, आपको कुछ बोला ही नहीं, आप उनके आगे पीछे थे आपस में इसलिए बात नहीं की वो उनका अपना भी केस भी कर सकते हैं। अब वो उनके पास भी बच्चों मैं बोलूँगा कि उन्होंने ये जो ये तो उनके करीब रिश्तेदार भी हैं और भी मकसद अपना भी उसको खराब कर सकते हैं। फिर उन्होंने उसके मामला को हल करा वो शख्स का मौका हो सकता है कि जो भी इतने करीब रिश्तेदार हैं आपस में बच्चे हैं तो उसके आगे समझदार हैं तो आपस में कर लेंगे क्या हो टीचर से पर तो जरूरत पड़े कर सकते हैं बोला बता सब क्यों बोला तो ये साहब हो वो शख्स हैरान परेशान ये नहीं कि मेरे हम तक वो कि नए बच्चे कि ऐसे ऐसे तक दिया जाए तो मेरा जो वो शख्स बड़ा मुझसे वो दिन में उसको बता प्लीज यार सोच नहीं सकता जो जो देने वाला था वो भरोसा आया क्या हुआ इंसाफ बना उनके पैसे ऐसे और नहीं चलते तो उन्होंने वो पैसे उसके सामने यार ये पैसे देगा तो वापस एंड क्या हुआ जब वो पैसों का हमने साहब की बात बोला उन्होंने वो पैसे फलाना शख्स थे वो शख्स जो उस मुल्क में खर्च कर चुका था पैसे कहने का मकसद ये है कि एक तरफा लिखाई पढ़ाई दोनों तरफ ये सब तो मौजूद है जिसमें मैंने लिखे वो तो सही जो पढ़ने वाले हैं ना वो उसको गलत पढ़ रहे हैं इसी तरह की उसकी मिसाल इस तरह नहीं हुआ ये पहले जो गांव शहर होते थे दरवाजे बंद के लिए से अच्छा ले जो वहाँ की शक्ति है वो अच्छा ले उसे लिखता है लोगों मत जाने को अच्छा पैदा में पर उसको लिखा हुआ है रोको मत जाने लोग तो वो बच्चे इस तरीके से करते हैं ये तो उसके हैं तो बोले अब वो शख्स क्या था उनकी अगली बात क्या थी भाई वो जब देगा तो आप वापस लीजिए नहीं कि आपके साथ कंप्लीट करके
तो वो शख्स दिल से इतना छूटा कि माने जब देख पता चला मुझे बात सुन, लेकिन वो मुझसे बोल नहीं सकता मेरा पूरा नाम उससे क्या बात कर कोई शख्स और उसके लिए कोई चीज़ की जरूरत नहीं, कोई दूसरा काम कुछ नहीं।
उन्हीं तस्वीरों को मिसाल के तौर पर जो पार्ट्स हैं उसको पार्ट्स देखने का या नहीं जाने पार्ट्स हैं ज़्यादा मशीनरी का माल बनने लगा तो गाड़ी में बेचते क्या हो ट्रांसपोर्ट के साथ जाना शुरू इस तरह करते 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 आज सैमसंग जो है गेट टूगेदर बना रहे दुनिया में उसका सिर्फ नाम चल रहा है उसका मोबाइल आप जिससे देखते हैं उसकी गाड़ियाँ हैं उसकी गेट टूगेदर चीज़ें हैं क्या था वो कि आप उसकी तरह पॉसिबल नहीं है आपके पास लोग उससे ज़्यादा इसलिए अगर आप आपने ये देखा हमारे लोग घर जाना है डेलीगेटेड जॉब
वो किसके ऊपर है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, और आप मुझे जबरदस्ती मेरे को जाने जा रहे हैं। मेरे चाचा की जो लड़की है उसकी शादी है, पता नहीं उससे चक्कर चल रहा है क्या, किसी लगाने वो जबरदस्ती जा रही है उसका। तो इन चीज़ों से आपको फेस करना है, कभी भी आने जाने का मौका हो मालिक की मर्जी से आएगी, इसको एक लेट देगा जो आपको वापसी के लिए, वापसी के लिए आराम होगी। तो आप जबरदस्ती जाओगे तो यह वापस आवा तो फिर आपकी सख्ती नहीं होगी, बेरोजगार हो इन मौकों को काम। ऐसे मसाइल से बचने के लिए क्या है, मालिक की मर्जी से जाना है, जो टाइम पीरियड उसने दिया है उसी के लिए, उससे पहले आ जाना है या उसको आ जाए। क्लियर होने के बाद अच्छा, कोई ऐसे सवाल जो आप बजट सवाल में पूछा जाता है, कोरिया में हलाल बैनर किस तरह तलाश करें, जैसे कि एक गोश्त की तरह चिकन बन गया। देखिए हलाल फूड जो है अभी बहुत आम कोरिया पहुंचे तो आप कुछ ऐप्स मिल जाएंगे, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ग्रुप बनाए रहते हैं, आप उसको कॉल करोगे या कुछ करो हलाल फूड आप तभी हो जाते हैं। और ये भी होता है कि वो पैसे लेते हैं, जब पता चल जाएगा कि आप करो तो कहीं भी इलाके के होते हैं महीने के महीने पैसे लेते हैं, आपको आधार अच्छे से मिलते हैं। फिर आपने वहाँ पर जाकर बीन की रस्सी को मजबूती से खोला, मसाजिद है वहाँ पर जाएंगे मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो भी मिलेगा आपको हजार को बता देगा आपके ये यहाँ से मिलेगा ये, तो आप बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ये हालात तो दूसरा ही नहीं और कोई रहाइश होती है, मुख्तलिफ़ किस्म होता है, कोई घर में होता है, कोई फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में होता है तो किचन होता है, वहाँ पर जाकर खाना बनाते हैं, फैक्ट्री पर कैंटीन में खाने पीना बनाने की वजह से बाहर की लग सकती है, सेम होती बाहर चीज़ें अलग होती है। तो जब आपको रहाइश दे रहे हैं और खाने के लिए तो वो आपको सोलर ग्लास में देखिए किस तरह बना और कुछ सर बाय टाइम क्या रिहाइश का किराया कम हो सकता है? देखिए अभी तो जो किराया है उससे कम से कम है, अच्छा जो वहाँ पर किराया चल रहा हो वो डबल के ऊपर हो, उसमें जो आप किराया देंगे आपको कंपनी पे कर रही होगी कुछ आपसे ले रही होगी, और जो ले रही होगी वो क्या होगा बिजली का इसका इसका इसके वो खर्चा होगा, रिहाइश का तो होगा नहीं। जैसे वो आप देखा कि कुछ 80,000 है इसका, 1,00,000 उधर फूड आपको मिलेगा, आपको देखते ही आपको ऐसे ही मिल जाएगी आपको खाने के देखना चाहिए कि अक्सर लोग था ऐसे, तो आपने उस फूड से देखिए हलाल चीज़ है जो आपको दिया जाए वो हलाल है, सेंटर में दिया जाए वो हलाल, तो आपने ऐसा मुझे नहीं बनाया। अब जैसे भी है हर चीज़ पर स्मेल होती है, खुशबू होती है, खाना आप उसको टेस्ट करें, टेस्ट करेंगे तो जब टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा आप एक कैची ले कैसा होता है, तो आप खाने के लाने भी हो सकते हैं। फिर जब आप प्राइस में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप जो कंपनी में दोपहर को खाने मिल रहे हैं कंपनी का खाना है वहाँ पर पूछ रहे बताया गया था आपको कि पूछने गोश्त कौन सा है, ठीक है अगर किसी को भी ये नहीं खाना है हर कोई और उसको खा सकते हैं, इस टाइम में चीज़ें हजार चीज़ें आप खा सकते हैं। और अगर जो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहते तो वो जो सब्जियाँ हैं उनकी सूप है और दूसरी चीज़ होती है उससे वो इजीली कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह और अपने लिए
इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।